नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। हमेशा हमने हल्दी के फायदे तो बहुत सुने हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं भुनी हुई हल्दी के फायदे। हल्दी आमतौर पर मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन यह प्रोटीन विटामिन ए के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के कई खनिज से समृद्ध है। इसके अलावा हल्दी में कई एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। ऐसे में कुछ लोग पूछते हैं कि रोज एक चम्मच हल्दी खाने से क्या होता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि भुनी हुई हल्दी खाने के क्या फायदे हैं। घाव भरने में फायदेमंद। भुनी हुई हल्दी खाने के फायदे घाव को जल्दी भरने में कारगर होते हैं। अगर आपको मामूली चोट लगी है तो तुरंत उस पर हल्दी का लेप लगाएं। इससे चोट पर खून आना बंद हो जाता है और साथ ही एक चम्मच भुनी हुई हल्दी को एक ग्लास दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। शरीर के दर्द में लाभदायक। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो शरीर के साथ साथ हाथ पांव में दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। कई बार लोगों के हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, ये ठंड के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप आधा चम्मच भुनी हुई हल्दी और भुनी हुई अजवाइन को मिलाकर सुबह शाम एक ग्लास दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। खून साफ करने में फायदेमंद। भुनी हुई हल्दी खून साफ करने में सहायक होती है। रोज भुनी हुई हल्दी मिलाकर खाने से खून में पाए जाने वाले जहरीले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने में फायदेमंद। हल्दी वाला दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में कैल्शियम होता है, जो शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है, और हल्दी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण होते हैं। कैंसर में फायदेमंद। भुनी हुई हल्दी कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। भुनी हुई हल्दी में कैंसर रोधी गुण होते हैं। भुनी हुई हल्दी पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को कम करने मददगार होती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।